मेरे अति प्रियो, प्रभु यीशु के नाम से अभिवादन करता हूँ। यर्दन नदी के पास मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर बहुत लोग आके बपतिस्मा लेते हैं और दुनिया भर के लोग यहाँ पर आके परमेश्वर के लिए भजन गा गा के खुशी के साथ यहाँ बपतिस्मा लेते हैं। यहाँ मेरे तरफ आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे वचनों को दुनिया की कई एक भाषा में लिखी हुई है और कम से कम 120 भाषा से भी ज़्यादा अधिक लिखी है। तमिल भाषा में भी यहाँ पर कुछ लिखा गया। वहाँ पर देखिए मरकुस रचना सुसमाचार में वहाँ एक वचन लिखी हुई है, पहला अध्याय 9 से लेकर 11 वचन तक। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यर्दन में यहुन्ना से बपतिस्मा लिया। अब जब वह पानी से निकल कर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते देखा और वह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। यहाँ पर देखिएगा, यीशु मसीह अपनी सेवा की शुरू करने के पहले यर्दन नदी में यूहन्ना के द्वारा उन्होंने बपतिस्मा लिया है और वहाँ पर पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उतर के पिता परमेश्वर ने उनके लिए वहाँ गवाही दी, ये मेरे प्रिय पुत्र है। इसका मतलब वहाँ पर त्रिएक परमेश्वर का संगम को देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की सेवा की शुरुआत को करने के पहले प्रभु यीशु ने पिता की आज्ञा को पालन करते हुए वहाँ उन्होंने बपतिस्मा ली। वहाँ पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें एक गवाही भी दी गई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। कारण यही था, पिता परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला और उनकी बातों को मानने वाला था और पिता की बातों को मानकर ही सेवा करने वाला था। और उन्होंने कहा, मैं अपने स्वयं से कुछ भी नहीं करता हूँ, पिता से सुन सुनकर सभी बातों को मैं आज्ञा मानकर करता हूँ। तो इसलिए पिता परमेश्वर ने उन्हें कहा, मैं इनसे प्रिय हूँ। हमारा जीवन में भी परमेश्वर यही चाहता है। क्या आपका जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को ही पूरा करते हैं? मैं भी जब कभी इस वचन को पढ़ते हैं, मैं परमेश्वर से यही दुआ प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं आपके इच्छा को पूरा करना है, चाहे दुनिया में मुझे देखने वाले कुछ भी कहें और मेरे बारे में वो कुछ भी समझें, लेकिन मेरे लिए प्रभु यीशु तूने जीवन दी है, तूने मेरे लिए एक कुर्बान दी, आपके लिए प्रिय जीवन जीना है। वैसे ही मैं प्रतिदिन परमेश्वर से विनती करता हूँ, तू मुझे प्रभु प्रिय करके कहना है। मनुष्य मुंह के सामने तो तारीफ करते हैं, पीठ के पीछे जो है निंदा अपमान करते हैं। चाहे वो हमारे पीछे कुछ निंदा अपमान करें या आगे तारीफ करें, कुछ भी हो, लेकिन हमारा सृष्टिकर्ता हमारे बारे में कुछ गवाही कहना है, ये मेरे प्रिय पुत्र है कह के, ये मेरा प्रिय बेटा है और ये मेरा प्रिय बेटी है। परमेश्वर हमारे बारे में हमारे कार्य को देख के कहना है, ये मेरा प्रिय है, ये मेरा दिल के लायक दास है, दासी है। इस प्रकार परमेश्वर हमारे बारे में आपका बारे में गवाही देना है। परमेश्वर की गवाही के लिए हमें प्राथमिक स्थान देना है। मनुष्य के बारे में कभी भी आप नहीं सोचना। आज परमेश्वर हमारे प्रति क्या गवाही देते हैं, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, मनुष्य मेरे बारे में कुछ भी कहें, लेकिन तू मेरा जीवन दाता है, तू मेरे लिए अच्छे गवाही देना, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय बेटा है, बेटी है, इस प्रकार मैं गवाही पाना है। यीशु के नाम से मानते हैं पिता, आमीन आमीन।